दोस्तों, एक 62 साल के बुजुर्ग आदमी को संबंध बनाने की लत लगी हुई होती है और उनके ही घर में एक 16 साल की कॉलेज की स्टूडेंट किराए पर रह रही होती है। दोस्तों, एक दिन वो बुजुर्ग आदमी उस लड़की के कमरे में जाता है और उस लड़की के साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, कुछ गंदी हरकत, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर वो बुजुर्ग आदमी ऐसा क्या करता है उस लड़की के साथ जिससे कि उस बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ शहर में ही एक आदमी रह रहा होता है जिनका नाम होता है श्याम चंद्र गुप्ता। दोस्तों, जो श्याम चंद्र गुप्ता होते हैं उनकी उम्र होती है लगभग 62 साल। दोस्तों, श्याम चंद्र गुप्ता पेशे से कोर्ट कचहरी में मुंशी होते हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। भरा पूरा परिवार होता है, धन दौलत की कमी नहीं होती है। उनका बेटा होता है, बहू होती है, घर में एक पोता होता है और घर में किसी चीज की भी ऐसी कोई कमी नहीं होती है। बहुत ही मालदार होते हैं श्याम चंद्र गुप्ता। दोस्तों, हमेशा की तरह जो श्याम चंद्र गुप्ता होते हैं वो कोर्ट कचहरी जा रहे होते हैं। एक दिन वो घर से निकलते हैं कोर्ट के लिए, अपना सारा बैग वगैरह लेते हैं, टिफिन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं कोर्ट के लिए। उनका घर जो होता है कोर्ट के नज़दीक ही होता है तो हमेशा पैदल ही जाया करते थे। वैसे ही एक दिन वो निकलते हैं कोर्ट के लिए, कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ पर काम काज करते हैं, लेकिन उस दिन घर वापस वो नहीं लौटते हैं। शाम हो जाती है, उनके घर में उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन नहीं आते हैं। उनके जब नंबर पर कॉल करते हैं तो उनका नंबर भी घर पे ही बता रहा होता है। जब रिंग होती है तो फोन घर पे ही होता है। उनका जो बेटा होता है काफी डर जाता है और इधर उधर तलाश करने लगते हैं। उनका जो दोस्त होता है उनको कॉल करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ कॉल करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कि वो वहां पर आए हुए हैं। वैसे ही अगला दिन निकल आता है, बहुत परेशान हो जाते हैं उनके घर के लोग। जब वो नहीं मिलते हैं तो उनके घर के लोग चले जाते हैं थाने में और थाने में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं काफी छानबीन करते हैं लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। पुलिस वाले उनके घर पहुंचते हैं और उनके कमरे की भी तलाशी लेते हैं तो उनके कमरे में भी ऐसा कुछ सुराग नहीं मिलता है। और उनका बेटा कहता है कि मेरे पापा का फ़ोन भी घर में ही है, वो घर में ही फ़ोन छोड़कर चले गए हैं। तो पुलिस वाले उस नंबर को लेते हैं, उनका फ़ोन लेते हैं और चले जाते हैं थाने। पुलिस वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक 62 साल का बुजुर्ग आदमी ऐसे कैसे गायब हो सकता है। पुलिस वाले के भी मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं श्याम चंद्र गुप्ता की फ़ोन को चेक करते हैं लेकिन उस फ़ोन में भी ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है जिससे ज़्यादा बात की हो। उसमें दो ही नंबर होते हैं, वो भी एक जज साहब का होता है और उनका ही एक मित्र होता है, वो भी वकील होते हैं, उन्हीं का होता है। और ऐसा कोई नंबर भी नहीं होता है, ना ही कोई मैसेज होता है जिससे पुलिस वालों को कोई शक हो सके या फिर उनको कोई सुराग मिल सके। पुलिस वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पुलिस वाले ये भी सोचने लगते हैं कहीं ये किसी संबंध का तो मामला नहीं है जिसमें इनकी मौत हो गई हो। तरह तरह के पुलिस वालों के मन में ख्याल आ रहे थे लेकिन दोस्तों कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे इस मामले को लगभग एक महीने होने वाले थे। जो श्याम चंद्र गुप्ता के परिवार वाले होते हैं उनका जो बेटा होता है बार बार पुलिस वालों को टॉर्चर कर रहे थे, पूछ रहे थे कि साहब कोई सुराग मिला या नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं। जो पुलिस वाले होते हैं वो भी दिलासा देते हैं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पिता का बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। दोस्तों, यूं ही देखते देखते एक महीने गुजर जाते हैं और एक दिन श्याम चंद्र गुप्ता के घर के पीछे से काफी बदबू आ रही होती है। आजू बाजू के सभी लोग परेशान हो जाते हैं बदबू से और श्याम चंद्र का जो बेटा होता है वो एक दिन सफाई कर्मी को बुलाता है, वहाँ पर सफाई कर्मचारी को, और उन लोगों को कहता है कि इस नाले की सफाई कीजिए, यहाँ से बहुत बदबू आ रही है। दोस्तों, दो चार आते हैं वहाँ पे लोग काम करने के लिए और वो लोग नाले में उतरते हैं। दोस्तों, नाले में एक लाश पड़ी हुई होती है, उस लाश को देखकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और भागने लगते हैं। जो श्याम चंद्र गुप्ता का बेटा होता है और कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है नाले में जो तुम लोग भाग रहे हो। दोस्तों, तब वो लोग कहता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है जो कंबल में लिपटी हुई है।
दोस्तों उसी वक्त उसमें से एक आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वाले वहां पर वक्त पर पहुंचते हैं और लाश को बाहर निकलवाते हैं। उसके बाद लाश की धुलाई करते हैं। दोस्तों जो लाश होता है वो पूरी तरह से सड़ गया होता है, उसकी पहचान करना मुश्किल होता है। अच्छी तरह से धोने के बाद लाश के हाथ में एक घड़ी होता है और उसके पैरों में जूता होता है। दोस्तों उससे साफ पता चल जाता है कि यह लाश श्याम चंद्र गुप्ता की ही है। जब उसका जो बेटा होता है अपने पिता की लाश को पहचान लेता है, पूरे परिवार वाले वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका रो रो कर काफी बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों जब पुलिस वालों के सामने श्याम चंद्र गुप्ता की लाश आती है, उसके बाद पुलिस वालों के लिए यह केस और भी मुश्किल हो जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, आखिर श्याम चंद्र गुप्ता जी की मौत हुई है तो कैसे हुई है? किसी ने इनको मार कर इस नाले में फेंक दिया और किसी को कोई पता ही नहीं चला। दोस्तों उसके बाद उस गली की पूरी सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है। दोस्तों उसमें कहीं नजर नहीं आता है कि श्याम चंद्र गुप्ता जी उस दिन अपने घर से निकले थे और कोर्ट गए थे, क्योंकि उनका कुछ डिटेल्स होता ही नहीं है सीसीटीवी कैमरा में। पुलिस वाले काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये आदमी अपने घर से निकला ही नहीं है तो इसकी मौत हुई कैसे और कौन कर सकता है। दोस्तों इसी बीच पुलिस वालों के सामने एक और खबर आती है कि उनके घर में एक 16 साल की कॉलेज की स्टूडेंट जो लड़की होती है वो किराए के तौर पर रह रही होती है। जिस दिन से श्याम चंद्र जी गायब हुए हैं उसके अगले ही दिन से ये लड़की भी गायब है और इसका भी कोई अता पता नहीं है। इस लड़की का कॉल भी बंद आ रहा है और उसके माता पिता भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए थे लेकिन कोई अता पता नहीं चला है। लड़की अभी तक गायब ही है। दोस्तों उसके बाद श्याम चंद्र जी के घर जाते हैं पुलिस वाले और उस लड़की का फोन नंबर लेते हैं। जब पुलिस वाले लड़की को कॉल करते हैं तो उस लड़की का फोन बंद बता रहा होता है। पुलिस वालों के लिए और भी टेंशन की बात हो जाती है और पुलिस वाले ये सोचने लगते हैं कहीं श्याम चंद्र जी को जिसने मारा है उन्हीं लोगों ने इस लड़की को भी तो गायब नहीं कर दिया, कहीं इस लड़की की भी तो मौत नहीं हो गई है। पुलिस वाले और परेशान होते हैं। उसके एक हफ्ते के बाद ही लड़की का फोन ऑन होता है और पुलिस वालों को लोकेशन मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की का फोन ट्रेस करते हैं और जिस लोकेशन में उसका फोन बताया जाता है पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं अपने टीम के साथ। दोस्तों वो लड़की जो होती है एक कमरे में पाई जाती है अपने प्रेमी के साथ। जो पुलिस वाले होते हैं दोनों को वहां पर गिरफ्तार करते हैं और लेकर थाने आते हैं। दोस्तों पुलिस वाले दोनों लड़का लड़की को थाने लेकर आते हैं। जो लड़का होता है उसके चेहरे पर 12 बजा होता है। पुलिस वाले तभी समझ जाते हैं हो ना हो मामला यहीं तक है और इन दोनों ने ही कुछ किया है। दोस्तों जो लड़का होता है डरा हुआ होता है और जब पुलिस वाले पूछते हैं उस लड़का से पहले तो मनगढ़ंत कहानी बताता है। जब एक दो डंडा लगता है उसे तो सारी बातें उगलने लगता है। उसके बाद वो लड़का और लड़की दोनों मिलकर पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर श्याम चंद्र गुप्ता की मौत कैसे हुई और किस वजह से हुई। दोस्तों उस लड़की के साथ जो लड़का होता है उस लड़का का नाम होता है बंटी कैश्यप। उसके बाद लड़की पूरी कहानी बताती है। दरअसल दोस्तों वो लड़की लखनऊ के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली होती है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी होती है। 12 की पढ़ाई वो अपने गांव के स्कूल में ही करती है। उसके बाद उसको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो वो लखनऊ शहर चली आती है अपने माता पिता के साथ। और जो श्याम चंद्र गुप्ता जी का घर होता है लड़की अपने माता पिता के साथ आती है। वहीं पर उसके माँ बाप वो रूम देखते हैं और अपनी बेटी को वहीं पर रहकर पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। उसकी जो बेटी होती है वहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और जो बंटी कैसेप होता है वो उसी गली में रह रहा होता है। हमेशा वो लड़की बंटी के साथ ही कॉलेज आना जाना करती थी और कभी कभी बंटी उसके कमरे में आ जाया करता था किसी किसी काम से, नोट्स वगैरह लेने के लिए या फिर देने के लिए। दोस्तों यूं ही वक्त गुजर रहा होता है और एक दिन जो श्याम चंद्र गुप्ता होते हैं वो छत पर टहल रहा होता है और देखता है कि लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है और दरवाजा खुला हुआ होता है। श्याम चंद्र गुप्ता जो होते हैं वो लड़की के कमरे में आ जाते हैं और उसके बेड पर बैठ जाते हैं। उसके बाद बात करते करते लड़की के बदन पर वो इधर उधर हाथ डालने लगते हैं। उस लड़की के साथ वो अश्लील हरकतें करने लगते हैं। लड़की कहती है कि अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, आपको शर्म नहीं आती? दोस्तों जो श्याम चंद्र गुप्ता होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो लड़की होती है वो धक्का देकर वहाँ से भागती हुई नीचे आ जाती है।
दोस्तों इसके बाद जब भी श्यामचंद्र को मौका मिलता, जब भी लड़की अकेली होती तो लड़की के कमरे में वो चले जाते हैं और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो नाकाम हो जाते थे। दोस्तों लगभग ऐसा उस लड़की के साथ 7-8 बार हो चुका था। और एक दिन लड़की कॉलेज जाती है, कॉलेज में अपने क्लासरूम में गुमसुम सी बैठी हुई होती है, काफ़ी टेंशन में होती है। उसके पास उसका दोस्त आता है, उसका प्रेमी बंटी, और बंटी उससे पूछता है कि अरे क्या हो गया, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो, आखिर बात क्या है, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? तो दोस्तों वो लड़की कहती है कि नहीं बंटी, घर में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इन 1 हफ्तों में मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे कहूँ। अगर मैं मम्मी पापा को कहूँगी तो वो लोग काफ़ी मुझे डांटेंगे, वो लोग कहेंगे कि मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ किया है, मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनसे मैं कुछ भी बात शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो दोस्तों जो बंटी होता है वो पूछता है कि अरे तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ बात क्या है। दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है वो पूरी कहानी बताती है कि जो उसके घर का मकान मालिक है वो उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दोस्तों जो बंटी होता है यह सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसी वक्त उस लड़की के साथ मिलकर प्लान बनाता है और कहता है ठीक है आज रात हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक उनका पूरा काम ही तमाम कर देंगे। आज तुम घर जाओ, घर जाने के बाद खाना वगैरह खा लेना और पढ़ाई करने के लिए तुम बैठना और मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा, तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा। दोस्तों वो लड़की वैसा ही करती है, खाना वगैरह खा कर रात को बुक निकाल कर वो पढ़ने लगती है और जो लड़का होता है उसी वक्त कॉल कर देती है लड़की, वो भी आ जाता है चुपके से उसके कमरे में और छुपा हुआ होता है। दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद ही जो श्यामचंद्र गुप्ता होते हैं वो छत पर जाते हैं टहलने के लिए। दोस्तों जो श्यामचंद्र गुप्ता जी होते हैं जब वो देखते हैं लड़की को अकेले उस कमरे में तो उसके कमरे में फिर से चले जाते हैं, लड़की के साथ बेड पर बैठ जाते हैं और उस लड़की के बदन पर वो इधर उधर हाथ डालने लगते हैं, उस लड़की के साथ अश्लीलता करने की कोशिश करते हैं, उस लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो लड़की जो होती है अपने साथ एक भारी वस्तु रखी हुई होती है लोहे का, उसी लोहे की वस्तु से वो जोरदार उसके माथे पर मारती है, वो आदमी जो होता है जमीन पर गिर जाता है। उसका जो दोस्त होता है उसका प्रेमी बंटी वो बाहर निकलता है, उसके बाद उसका गला घोटकर वहीं पर वो मार देता है। दोस्तों उसके बाद वो दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों सिर्फ मारने का प्लान बनाए हुए थे, इस लाश का क्या करना है, कैसे ठिकाना लगाना है, इसका वो दोनों कुछ सोचे ही नहीं थे। दोस्तों उसके बाद उस लड़के के मन में एक प्लान आता है, वो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा नाला है, घर में एक कंबल रखा हुआ होता है, उस कंबल में उस लाश को लपेटता है और रात को काफ़ी अंधेरा होता है, गली में बल्ब नहीं जल रही होती है, लड़का जाता है लाश को लेकर और नाले में फेंक देता है। दोस्तों उसके बाद लड़की के चेहरे पर भी 12 बजा होता है और वो लड़का का तो हालत खराब होता ही है। दोस्तों उसके अगले ही दिन लड़का क्या करता है कि लड़की को कॉल करता है और उसे लेकर एक दूसरे शहर चला जाता है। दोस्तों जब पुलिस वाले यह पूरी कहानी सुनते हैं दोनों लड़का लड़की के मुंह से तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने अपराध किया है और अपना अपना जुर्म दोनों अपना लिए थे, इसलिए पुलिस वाले उस लड़के को भेज देते हैं जेल, क्योंकि लड़का बालिग होता है और जो लड़की होती है वो नाबालिग होती है, तो पुलिस वाले उस लड़की को बाल गृह सुधार केंद्र में भेज देते हैं और आगे कोर्ट फैसला करेगी कि उन दोनों को क्या सजा मिलेगी। दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने, आप लोगों को इस कहानी को सुनकर क्या सीख मिली, आप लोगों की इस कहानी के ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।